अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं दो तीन छोटे छोटे स्टार्टअप्स के ऊपर काम कर रहा हूँ और वो लॉन्च करूँगा, तो उसी में से पहले स्टार्टअप का ये आज इंट्रोडक्शन है। इसका लाइव डेमो दिखा के मैं आपको इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। इस स्टार्टअप का नाम है स्किल्ड स्कोर। बेसिक प्रेमिसज मैं आपको समझाता हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करें। अमेरिका में हमारे पास क्रेडिट स्कोर होता है, एक्सपीरियन, ट्रांस यूनियन, इक्विफैक्स। वो बंदे को क्रेडिट रैंक करता है 300 से 850 के बीच में। आपका स्कोर 300 है, आप दिवालिया हो चुके हैं, बैंकरप्ट है, ना आपको कोई जॉब देगा, ना आपको कोई गाड़ी देगा, ना मॉर्गेज पे आप घर ले सकते हैं। आपका स्कोर 800, 850, 750 अच्छा स्कोर है, आप वॉक करते हुए जाएँ, नई टेस्ला गाड़ी लेकर आ जाएँ, जीरो डाउन पेमेंट के ऊपर, जीरो डाउन पेमेंट के ऊपर आप घर ले लीजिए, बहुत कम के ऊपर आपको मॉर्गेज रेट भी मिल जाएगा। इस तरीके से आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी का अंदाज़ा लगाया जाता है कि ज़िंदगी में आपने कितना क्रेडिट लिया, टाइम के ऊपर कितनी पेमेंट की, लेट पेमेंट तो नहीं की, पैसे लेके तो नहीं भाग गए, वो तमाम चीज़ें इसमें शामिल हो रही होती हैं। कितने क्रेडिट अकाउंट से कितनी आपकी लिमिट है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि हम इंसान को क्वांटिफाई कर दें कि भाई ये बंदा हमारे पास मौजूद है, इसकी स्किल्स को देख के, इसकी जोग्राफिया को देख के, इसकी एबिलिटीज़ को देख के, इसका दोस्तों का नेटवर्क देख के, ये बंदा किस काम का हो सकता है। तो हम कोई 3.5 साल से इसके ऊपर प्रोजेक्ट में मेहनत कर रहे थे और अब ये लाइव हो गया है। आप skilledscore.com के ऊपर जाके इसको देख सकते हैं। इसके अंदर हम 3-4 काम किए, मैं आपको समझा देता हूँ, लाइव डेमो में दिखा भी दूंगा बाद में, अभी आप समझ लीजिए बात को। इसमें जो आपका स्कोर कैलकुलेट हो रहा है 0 से 100 के बीच में, वो 3 जगहों से आ रहा है। पहली चीज़, आपकी आप में कितनी एम्प्लॉयबल स्किल्स हैं। देखिए, मैं यूट्यूब बना रहा हूँ, इससे पैसा कमा रहा हूँ। अब मैं किताबें लिख रहा हूँ तो उससे पैसे कमा सकता हूँ। मैं पढ़ा सकता हूँ, प्रोफेसर लग सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ। मैं कंटेंट राइटिंग कर सकता हूँ, मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, मैं AI इंजीनियर हूँ, मैं ब्लॉकचेन डेवलपर हूँ। तो ये 10, 12, 15 तरीके से पैसा कमा सकता हूँ। कोई खुदा ना खासा मसला पड़ गया तो मैं वॉलमार्ट में खड़ा हो सकता हूँ, मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोल सकता हूँ, मैं ऊबर के ऊपर गाड़ी चला सकता हूँ, DoorDash के ऊपर डिलीवरी कर सकता हूँ, तो ये माली का काम कर सकता हूँ। ये 20-25 तरीके होंगे जिसकी वजह से आई कैन ब्रिंग द फूड ऑन द टेबल फॉर माई फैमिली। अच्छा, तो आप में एम्प्लॉयबल स्किल्स कितनी हैं? आपको जावा आती है, आपको C# आती है, आप माली का काम कर सकते हैं, आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप रेस्टोरेंट मैनेजर हैं, आप शेफ हैं, ये सारे तरीके हैं। तो पहला स्कोर यहाँ से आएगा कि दुनिया के 18,000 प्रोफेशन यहाँ पे, जिसको हमने सॉफ्टवेयर के ऊपर मैप कर दिया, ILO के हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, वाइल्ड फोटोग्राफर का अलग है, एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट का अलग है, लाइफ गार्ड का अलग है, ड्राइवर का अलग है। उन्होंने बता दिया है कि इन तमाम चीज़ों के लिए आपको ये स्किल्स आनी चाहिए, उसको हमने मैप कर दिए। उसमें से हम आपका सिंपल CV लेते हैं, आप वेबसाइट पे आएंगे, अपना CV अपलोड करें, आप CV को टाइप कर दीजिए, आप LinkedIn से अपलोड कर दीजिए अपनी प्रोफाइल, हम देखेंगे आप में एम्प्लॉयबल स्किल्स कितनी है, हाउ मेनी वेज यू कैन बी एम्प्लॉयड। ये तो 33% आपका स्कोर यहाँ से आता है। अगला 33% आता है आपकी ज्योग्राफी से, आप कहाँ पर हैं और वहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड क्या चल रही है। आपको क्वांटम कंप्यूटिंग आती है लेकिन आप खुदा बख्श कलोड़ों में रहते हैं तो भूखे मरेंगे, बिकॉज वहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर कोई हायर नहीं कर रहा। हाँ, अगर आप न्यूजीलैंड के अंदर हैं, सिलिकॉन वैली के अंदर हैं, तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो सप्लाई एंड डिमांड, आपको जावा आती है लेकिन आप कराची में हैं तो उसको स्कोर का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वहाँ पर तो 10 लाख लोगों को जावा आती है, तो आप कंपिटेटिव इनफ नहीं रहे और जॉब खाली 1,000 आ रही हैं। तो आप कहाँ पर हैं, आप उस लोकेशन के ऊपर आपको क्या आता है और कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं, और ये चेंज होगा। आप लोकेशन बोलेंगे जी मेरी पाकिस्तान में लोकेशन कराची थी, अब मैं चला गया हूँ रियाद के अंदर, तो चेंज हो जाएगी। सिलिकॉन वैली आ गया हूँ तो चेंज हो जाएगी। न्यूयॉर्क चला गया हूँ, अफगानिस्तान चला गया हूँ, ढाका चला गया हूँ, मुंबई चला गया हूँ, अहमदाबाद चला गया हूँ, बेंगलोर चला गया हूँ, तो उसके हिसाब से वो चेंज होता रहेगा। तो दूसरी चीज़ आपकी आती है आपकी ज्योग्राफी से। तीसरी चीज़ है फ्यूचर रेडीनेस। अभी तो आप परफेक्टली काम कर रहे हैं, 5 साल बाद आप ये काम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। आप कंटेंट राइटर है, AI आपको रिप्लेस कर देगी, आप कोई ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं वो वाली आपको आके रिप्लेस कर देगा, आप अकाउंटेंट है, आप रिप्लेस हो जाएंगे। तो आप अभी तो ठीक है, लेकिन जो फ्यूचर में स्किल्स आ रही हैं, ब्लॉकचेन डेवलपर है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, डस्ट प्रोग्रामर्स हैं, ड्रोन ऑपरेटर्स हैं, वो तमाम चीज़ें जनरेटिव AI की आपको आती या नहीं आती। इसके अलावा आपका ILO लेवल स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं। ILO लेवल 1 के अंदर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल 1 के अंदर, वो लोग आते हैं जिनके पास जिस समय दिमाग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो छोटा सा काम कर लेंगे, चपरासी बन जाएंगे, घर की क्लीनिंग कर लेंगे, मेड बन जाएंगे, सफाई कर लेंगे, ये काम बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, एटलीस्ट ब्रिंगिंग द टेबल ऑन फूड ऑन द टेबल फॉर देयर फैमिलीज। ILO लेवल 2 के अंदर वो लोग आते हैं जिनको स्किल्स 3 से 6 महीने में सिखा दी जाएँ, जो हमारे पास टेवटा की होती हैं स्किल्स, या हमारे पास वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं। आपने उसको कारपेंटर बना दिया, आपने उसको ब्लैक स्मिथ बना दिया, आपने उसको सुनारा बना दिया, आपने फ्रिज इलेक्ट्रिशियन का काम सिखा दिया, आपने प्लम्बर का काम सिखा दिया, आपने ड्राइविंग सिखा दिया, आपने लाइफ गार्ड का काम सिखा दिया, आपने बॉडी गार्ड का काम सिखा दिया, शूटिंग सिखा दी, ये लेवल 2 के अंदर होते हैं। लेवल 3 में मेरे आपके जैसे लोग आते हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, वेब डेवलपर हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पॉलिटिशियन, डॉक्टर, इंजीनियर्स, ये सारे लेवल 3 पे आते हैं। लेवल 4 पर वो लोग आते हैं जो कि इंटेलिजेंसियाँ हैं, इलोन मस्क,
नोम चोम्स्की, जो पूरी पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं। अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर लेवल 4 के अंदर 2.1% लोग हैं, 25% लोग हैं लेवल 3 के अंदर, 70% लोग दुनिया में हर जगह लेवल 1 और लेवल 2 में पाए जाते हैं। हमारे मुल्कों में इंडिया पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये होती है कि हम सीधे कोशिश करते हैं बंदा लेवल 1 से लेवल 4 के ऊपर आ जाए। भाई ऐसे नहीं होता, एक बंदा जो रेडी चला रहा है अगले दिन आप उसको डेटा साइंटिस्ट नहीं बना सकते। वो लेवल 1 से 2 पर आएगा, 2 से 3 पर आएगा, 3 से 4 के ऊपर आएगा। इस पर हमने स्किल स्कोर के अंदर सब कुछ ऑटोमेट कर दिया है। आप जाके सिर्फ CV अपलोड करें, ये आपको आपका लेवल बताएगा, या आपको स्कोर कैलकुलेट करेगा, आपको तरीके बताएगा आप कौन से स्कोर को इस तरह किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, आपको किन लोगों से मिलना है, किन जगहों पे जॉब करनी है, कौन से कोर्स करने हैं। ये कोर्स भी आपको रिकमेंड करेगा, जॉब्स भी रिकमेंड करेगा, यहां तक कि पूरी की पूरी करियर समरी आपको लिख के दे देगा और करियर पाथ दे देगा। अगेन ये बेटा वर्जन है, अभी अभी लॉन्च हुआ है, आप लोग इसको ज्वाइन करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला तो इसको हम इंप्रूव करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगाई हैं, सिर्फ $20 पर मंथ के ऊपर ही आपके पास अवेलेबल है। क्वार्टरली ईयरली प्लान लेते हैं तो आपको और सस्ता पड़ता है। इसको ज़रूर ज़रूर भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इसको आप फ्री में मालूम कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं है। जहाँ प्रोफाइल अपलोड कीजिए, इसको मालूम कीजिए और फिर अपने कमेंट से अपने फीडबैक से हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ ज़िंदगी रही तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स बना के आप लोगों को लाता रहूँगा। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी।